जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, पैसे की किल्लत, पैसों की कमी एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसी घटना है, मैं तो कहूंगा कि ये जब तक जीवन में घटती रहती है तब तक इंसान काफी परेशान रहता है। काफी कुछ परेशानियां पैसों से खत्म की जा सकती हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सारी तकलीफें शायद पैसे से कम ना की जा सके, लेकिन बहुत सी तकलीफें ऐसी हैं कि जो पैसे से कम की जा सकती हैं। बहुत से सुख सुविधा के साधन ऐसे हैं जो पैसों से अर्जित किए जा सकते हैं, जिससे जीवन बेहतर बन सकता है। और ये तो एक बात है, लेकिन जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं जीवन की, उनको पाने के लिए भी पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के समय में जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी पर्याप्त मात्रा में हम धन नहीं कमा पाते, हम इतना नहीं कर पाते कि जीवन को व्यवस्थित रूप से जिया जा सके। कंपटीशन के इस युग में इंसान डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, जब आसपास के लोग बहुत ही प्रगति करने लग जाते हैं तब व्यक्ति निराश होने लग जाता है, और उसको जो कर्म करने चाहिए फिर उसमें भी उसका मन नहीं लगता और वो और पिछड़ता जाता है। कभी कभी इसी चीज को हाय और बददुआ का नाम दे दिया जाता है, और जो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा होता है उसकी प्रगति भी रुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसी पर मैं आज एक उपाय आपको बताने वाला हूं कि ये उपाय करने से आपकी जो कोई भी पैसे से संबंधित तकलीफ है वो तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और जल्द से पहुंच सके, ताकि उन्हें करके आप अपने जीवन से कष्ट मुक्त हो सके। तो ऐसा ही धन संबंधित कष्ट से मुक्ति का उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। बहुत आसान उपाय है, आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन करना आपको रात्रि में है। सोने से जस्ट पूर्व आपको, वैसे आप इसको सूर्योदय सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्रिया को करने के बाद में आपको भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करना है, पानी इत्यादि नहीं पीना है, इसलिए इसको सोने से पूर्व ठीक पूर्व करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपको पूरी रात ना कुछ खाना है ना पीना है, अगले दिन के सूर्योदय में ही आपको कुछ भी चीज लेनी है। ध्यान से सुन लीजिए, इस उपाय को करने के बाद आपको लगभग रात्रि का उपवास करना है, अगले दिन सवेरे ही आपका स्नान आदि नित्य क्रम से फुर्सत होकर आपको उपवास तोड़ना है, पानी भी रात्रि को लेना नहीं है। आपको करना क्या है, गाय के गोबर का जो सूखा हुआ उपला होता है, कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, काफी नाम है अलग अलग, अब आपको लेना है गाय का ही गोबर, भैंस का, पाड़े का, पड़रे का नहीं लेना है, गाय का गोबर ही आपको लेना है, थोड़ा सा लेना है। दो कपूर की गोटी ले लें, दो लौंग ले लें, दो हरी छोटी इलायची ले लें और दो काली मिर्च के दाने ले लें। अब आपको कपूर को जलाकर उसमें गाय के गोबर का जो कंडा था उसको जलाना है, जब वो जल जाता है तो बाकी की चीजें भी आपको एक एक करके उसमें आहुति उसकी दे देनी है, आहुति दे देनी है मतलब उसमें समर्पण कर देना है, उसमें डाल देना है, वो जो अग्नि जल रही है उसको आप किसी भी पात्र में जला सकते हैं, मिट्टी के और तांबे के पात्र में अति शुभ होता है। आप इस अग्नि को प्रकट कर लें और इसमें ये तीन चीज़ें डाल दें, टोटल पांच चीज़ें हैं,
गाय का गोबर है, का कंडा सूखा हुआ उपला, कपूर है, इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, पांच चीज़ें हैं। अब इन पांच चीज़ों की जो राख बनेगी, इस राख में आप पांच बूंद तिल का तेल डाल दीजिए। तिल का तेल ही यूज़ करना है आपको। तिल के तेल का दिए का भी अपना एक महत्व है। इसको यदि आप किसी भी अमावस्या के दिन सारी रात यदि ये दिया आपके घर की चौखट पर जलता रहता है तो माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में वास करती हैं। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय की बात बता दूं मैं आपको, इन पांचों चीज़ों की जो राख बनेगी उसमें आपको तिल का तेल डाल देना है और उसको मिला लेना है इस उंगली से उसको मिला लेना है। और कोई भी एक नोट आप ले लें, चाहे 5 की ले, 10 की ले, 50 की ले, जो कोई भी एक नोट ले लें, उसमें आपको इसका जो मिश्रण बना तेल डालने के बाद में ये चिकास वाला हो जाएगा। इसके बाद आप इसको आसानी से लिख पाएंगे। इसके बाद आप नोट में इससे श्री बना लें और स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। श्री बना लें पहले, उसके पड़ोस में स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। अब इस नोट को आपको क्या करना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी भी, पहले तो इस नोट को आपको आपके पूजा के स्थान में रख देना है ये करके। इसके बाद में इस नोट को आप लेमिनेट करवा सकते हैं, मढ़वा सकते हैं, या किसी बॉक्स में, डिब्बे वगैरह में आप डाल करके रख दें कि ये नोट सीधी बनी रहे और इसको कोई टच ना करे, छुआछाई ज़्यादा इसमें होनी चाहिए नहीं। इस नोट को आप रख दें, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दें, पूजा के स्थान में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं। बस आपको नित्य क्या करना है, सवेरे इसमें अगरबत्ती दिखा देनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको धन संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इतना प्रभावशाली ये उपाय है, इतना प्रभावशाली टोटका है कि यदि आपके ऊपर कोई भी नज़र, हाय, बद्दुआ कुछ भी लगा होगा हट जाएगा। कोई ग्रह दोष है, किसी ने काम रोक दिया है, टोना टुटका टुमका कुछ भी है, ये नोट सारी ही चीज़ों को हटा देगी। आपके और आपके पैसों के मार्ग में आने वाली हर चीज़ को ये नोट हटा देगी और आपके हर एक मार्ग पैसे से लगते प्रशस्त हो जाएंगे, खुलने लग जाएंगे और आप लगातार प्रगति करने लग जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी कष्टों से मुक्त हो सकें और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें और इसका पुण्य आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए, अब मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।